हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो सेकंड टी20 मुकाबला खेला जाएगा 5 जैन को 7 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। तो कौन सी टीम जीत सकती है, कौन से प्लेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं, पिछले बार की तरह फिर से आपको बताने वाला हूं, विद डिटेल बताने वाला हूं। तो ये तो आप समझ गए होंगे, श्रीलंका थोड़ी सी वीक टीम जरूर है, बट ऐसी टीम नहीं है जो इंडिया को ना हरा सके, क्योंकि आखिरी 5 मैचेस में मैंने आपको फर्स्ट मैच में ही बताया था कि इन्होंने 2 मैचेस हुए थे हेड टू हेड में, वही इन्होंने 3 जीते हुए थे। और आपने देखा पिछला मैच बहुत टक्कर का रहा, वही 40-60 का रेशियो आ गया, और बल्कि 40% विनिंग की इनकी 50% चांस हो गए थे लास्ट तक, बट ये नहीं कर पाए। बट इट्स ओके, इस बार हो सकता है श्रीलंका अच्छा करे। ध्यान रखिएगा श्रीलंका की बॉलिंग पिछले बार ठीक थी बट बहुत अच्छी नहीं थी, उनके मेन बोलर्स तो चले ही नहीं थे, ठीक है। तो किसी भी दिन इंडिया को श्रीलंका हरा सकती है, 10 में से 4 बार ये जीतेंगे और 6 बार ये जीतेंगे। ये 4 बार कब जीतेंगे वो जानने के लिए वीडियो को देखिए, कहां पे मैच होने वाला है हर एक चीज आपको वीडियो में बताऊंगा और फाइनल टीम का अपडेट दूंगा। कहां पे अपडेट्स मिलेंगे, फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को। और सबसे आसान तरीका ज्वाइन करने का क्या है, कॉमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मेरा ही कमेंट है जिसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। सारी अपडेट्स आपको फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू की, वेन्यू कैसा है कि क्या यहां पे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में ये मुकाबला खेला जाएगा। वेदर कंडीशन ठीक है, ठंडक होगी, मैच पूरा होगा, थोड़ा सा यहां पे आप कह सकते हैं टेंपरेचर ज्यादा डाउन जा सकता है, बट उससे मैच पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। पिच की अगर हम बात करें तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ज्यादा मैच हुए नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के सिर्फ 3 मैचेस हुए, 1 बैटिंग फर्स्ट जीती, 2 बैटिंग सेकंड जीती, तो डेटा ज्यादा है नहीं। 153 का एवरेज स्कोर यहाँ पे देखने को मिला है, 201 इंडिया ने हाईएस्ट बनाया है और इंडिया का 101 लोएस्ट बना हुआ है, यानी पिछले 3 मुकाबलों में इंडिया ने 200 का स्कोर यहाँ पे किया हुआ है। ये वेन्यू जो है बैटिंग के लिए अच्छा है, बहुत बेकार नहीं है, और एक बार 150 के बिलो और एक बार 150 से 169 यहाँ पे स्कोर हुआ और एक बार 190 के ऊपर स्कोर हुआ है, ठीक है। 3 मैचेस की कहानी बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात करें वो 3 मैचेस कौन से थे, क्या थे, तो यहां पे देख लो, लास्ट मैच ही था यहां पे इंडिया श्रीलंका का 2020 में जो खेला गया था, ठीक है। तो ये रिपीट होने वाला है, इंडिया श्रीलंका का फिर से मैच होने वाला है। उस मैच में श्रीलंका बहुत खराब खेली थी, 123 पे ऑल आउट हो गई थी इसी ग्राउंड पे, और इस बार फिर से खेलने वाली है, तो क्या फिर से यही चीज आपको देखने को मिल सकती है, बिल्कुल। इंडिया 78 रन से उस मैच को जीती थी, टोटल पेसर्स को इस विकेट पे 7 विकेट मिले थे, यानी इस पिच पे 7 विकेट पेसर्स लिए गए थे और 6 विकेट स्पिनर्स को भी मिले थे। इसके पहले 9 फरवरी 2016 में भी इंडिया श्रीलंका का एक मैच हुआ था जिसमें पेसर्स को टोटल 10 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को सिर्फ 4 विकेटें मिली थी। एक मैच और पास्ट में हुआ है 2012 में, बहुत पुराना मुकाबला है इंग्लैंड इंडिया का, उसमें पेसर्स को 6 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेटें मिली थी। तो ये तो बहुत पुराना मैच है, इसको देखने का मतलब नहीं है, और 2016 वाला मैच भी देखने का मतलब नहीं है। काम का आपका मैच रहेगा ये 2020 वाला जो लगभग 3 साल पुराना हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो देखने को मिला उसमें बैटिंग अच्छी हुई थी, इंडिया ने अच्छा किया, श्रीलंका चेस नहीं कर पाई और पेसर स्पिनर को लगभग बराबर विकेट मिली थी। तो ये चीज हमने देखी थी लास्ट टाइम यहाँ पे जब मैच हुआ था, ठीक है। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं टोटल समरी क्या है। आखिरी 3 मैचेस में 23 विकेट पेसर्स को मिले, 14 विकेट स्पिनर्स को मिले, ज्यादातर विकेटें आप देख सकते हैं स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में लेके गए हैं, जबकि आमतौर पे सेकंड इनिंग में उनको ज्यादा विकेटें मिलती हैं, ठीक है। हेड टू हेड देखो इंडिया श्रीलंका का 26 मैच आपस में खेल चुके हैं, इंडिया ने 18 जीते बट 8 श्रीलंका भी जीती हुई है, तो श्रीलंका को भी बहुत कमजोर मत समझिए, लगभग इनका भी चांस है, ऐसा नहीं है विन करने का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें आखिरी 5 मुकाबले, तो अब इंडिया आखिरी 5 में से 4 मैचेस को जीत चुकी है और श्रीलंका ने एक ही मैच जीता है आखिरी 5 में से, जब ये लोग आमने सामने खेले उसका बता रहा हूं, ठीक है। जब आमने सामने खेलते हैं तो लास्ट 5 मैचेस में 1 बार श्रीलंका विनर है, 4 बार इंडियन टीम विनर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वेन्यू पे हुए मैचेस की। तो देखो इंडिया श्रीलंका 1 बार यहां पे खेल चुकी है, 2 बार खेल चुकी है, एक पहले खेला था बहुत और एक 2020 में खेला था, 1 बार इंडिया और 1 बार श्रीलंका जीती है। यहाँ पे अगर हम वेन्यू पे देखें तो टोटल 3 मैचेस इंडिया ने खेले, 2 जीती 1 हारी है, और इस वेन्यू पे श्रीलंका ने टोटल 2 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे हैं, ठीक है। तो ये इनका वेन्यू रिकॉर्ड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट आता है, इनके आखिरी 4 मैचेस जो भी हुए हैं, इंडिया श्रीलंका ने जो भी रिसेंटली 4 मैचेस खेले हैं सारे के सारे 2022 में खेले हुए हैं, तो बहुत ही काम का डेटा है। किन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, तो श्रीलंका के प्लेयर देखो, पहले दाशुन चनाका 45, कुशाल मेंडेज 28, तीक्ष्णा 1 विकेट, हसरंगा 1 विकेट,
ये देखो कुशाल मेंडिस अगेन 57, इसने 28 बनाया पिछले मैच में, उसके पहले 57 भी बनाया हुआ है। यहाँ पे शनाका नहीं दिखेंगे आपको, नशांका ने परफॉर्म किया, मधुशांका ने किया और चमिका कोरुंदे ने परफॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे शनाका 74 नॉट आउट, फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो शनाका 47 नॉट आउट। तो ये शनाका जो है इंडियन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेल रहा है, लास्ट मैच में भी यही चीज़ बताई थी और फिर से बता रहा हूँ कि ये श्रीलंका का ऐसा प्लेयर है दासुन शनाका जो हारे हुए मैच भी श्रीलंका को जिता सकता है, खास करके इंडिया के सामने, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से कौन से प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट मैच में हुडा ने 41 नॉट आउट की पारी खेली, अक्षर 31 लगा गए हैं, ये देखिए बॉलर अक्षर लगा गए, बैटिंग से रन बना गए। दीपक हुडा को मौका मिलेगा क्योंकि शुरुआत में ईशान ने तो फिर भी ठीक खेला, शुभमन गिल नहीं चल पाए फर्स्ट मैच में अपने, मावी ने 4 विकेट निकाले, उमरान मलिक ने 2 विकेट निकाले और इंडियन टीम की सबसे फास्ट बॉल 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने एक बॉल भी कराई थी। इंडियन टीम से सूर्य कुमार यादव ने लास्ट मैच में कुछ नहीं किया, बट उसके पहले जब खेले थे सितंबर 2022 में, तब यादव ने 34 बनाया था और चहल ने 3 विकेटें निकाली थी। इसके पहले अय्यर भी टीम के लिए परफॉर्म कर चुके हैं कई बार। तो ये है कहानी आखिरी 4 मैचेस की, तो आप देख लीजिए, खास करके श्रीलंका के कुछ प्लेयर जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्म किया है, चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट 4 मुकाबले हैं इंडिया श्रीलंका के, जिसमें आप देखेंगे कौन से प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विनिंग परसेंटेज वही सेम रहेगा, 60% इंडिया 40% श्रीलंका। रीजन आपको बता ही चुका हूँ कि श्रीलंका है तो वीक टीम, बट इतनी वीक नहीं है कि हर मैच को हार जाए, ठीक है। अगर 10 मैच होंगे तो 6 से 7 मैच इंडिया जीतेगी, बट कम से कम 3 मैच श्रीलंका जीतेगी। तो ये है स्टैट, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो मेरे हिसाब से कोई बदलाव टीम नहीं करेगी, हाँ एक्सपेरिमेंट जरूर करेगी, जैसे पिछले मैच में अक्षर से डेथ ओवर करवाना या फिर किन्हीं भी स्पिन बॉलर जैसे दीपक हुडा हो गए, इनसे बॉलिंग करवाना, वो भी इंपॉर्टेंट टाइम पे मैच के, जब 5-6 रन चाहिए हो सामने वाली टीम को, तो प्रेशर में ये डालेंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये लोग बड़े मैचेस की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे, तो छोटे मैचेस को ज्यादा नहीं देखेंगे। शुभमन गिल ईशान किशन ओपन करेंगे टीम के लिए, जिसमें ईशान किशन लेफ्टी बैटर है, फिर सूर्य आएंगे, फिर संजू हार्दिक आएंगे बैटिंग करने, उसके बाद दीपक हुडा है, फिर अक्षर पटेल है, हर्षल पटेल है, शिवम मावी मलिक और चहल है टीम के पास। काफी अच्छी प्लेइंग 11 है, बैटिंग काफी सॉलिड है, खास करके हुडा अक्षर जैसे प्लेयर भी टीम के लिए रन बना सकते हैं, ये पिछले मैच में इन्होंने दिखाया। और हार्दिक और ईशान पिछले मैच में चले थे, सूर्य संजू और शुभमन गिल को परफॉर्म करना बाकी है। संजू के सामने तो आपको पता है बनीधु हसरंगा की एक प्लेयर बैटल होती है, जिसके चलते हम संजू को पिक नहीं करते जब जब बनीधु हसरंगा सामने खेलते हैं। अब एक बार इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, देखो पिछले मैच में शुभमन गिल ने 7 रन जरूर बनाए थे, बट उसके पहले इनकी T20 परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी और श्रीलंका के अगेंस्ट पहला ही मैच खेला इंटरनेशनल, उसमें 7 रन बनाए। वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है शुभमन गिल का, 3 ही मैच हुए, क्योंकि यहाँ पे इस वेन्यू पे वो भी 2020 में एक हुआ था, उसके पहले तो 16 और 12 में मैचेस हुए थे, तो वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड आपको मुश्किल है किसी प्लेयर का मिले। अगर वो बहुत पुराना प्लेयर होगा जैसे संजू हार्दिक ये लोग होंगे, तो इनके रिकॉर्ड थोड़े बहुत मिल जाएंगे, बट वो ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। शुभमन गिल आपको टीम में लेने चाहिए, एक मैच से आप अंदाजा मत लगाइए कि 7 रन बनाए हैं इसने तो उसको नहीं पिक करेंगे, ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। खास करके ईशान किशन को तो बिल्कुल मत छोड़िए, विकेट कीपर भी है, पिछले मैच में अच्छा भी खेला, अभी ओडीआई में भी अच्छा खेल रहा था, इसके श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। फिर आती है बारी सूर्य की, ये भी मैच विनर प्लेयर है, पिछले मैच में 7 रन पे ये भी आउट हो गया, बट अगर आप इसके 5-6 मैच उठाएंगे तो 100-50 ऐसे स्कोर मिलेंगे आपको, और श्रीलंका के सामने रिकॉर्ड भी इसका बहुत अच्छा रहा है। फिर संजू की बात करते हैं, पिछला मैच इनका भी खराब रहा था, हेड टू हेड उतना खास नहीं है, बट हैं अच्छे प्लेयर, अच्छा कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में 3 ओवर के आसपास बॉलिंग कराई थी, 29 रन भी बनाए थे, तो ये आपके लिए हमेशा एक बेहतरीन ऑप्शन कप्तानी वाइस कप्तानी के होते हैं, रन्स भी बनाते हैं और विकेट विकेट मिल गई तो फिर तो आपके मतलब मजे हो गए। यहाँ पे आप देखो पिछले मैच में 29 रन और 0 विकेट थे, बट कभी कभी 1-2 विकेट ले जाते हैं, बॉलिंग करने लगे इसलिए इंपॉर्टेंट रहने लगे। मैंने आपको पहले ही बोला था पांड्या कम से कम 2 ओवर तो डालेंगे इस मैच में, उन्होंने 3 डाले और इस मैच में मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 ओवर तो पांड्या करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये इनकी परफॉर्मेंस है अपोजिशन टीम के खिलाफ ये वाली, और ये इस वेन्यू पे रिकॉर्ड है, ठीक है। आगे दीपक हुडा आते हैं, पिछले मैच में 41 का स्कोर किया, बट ग्रैंड लीग के लिए ही आप इनको रखिएगा, स्मॉल लीग में नहीं, क्योंकि शुरुआत के प्लेयर हर बार फ्लॉप नहीं होंगे। सूर्य कुमार यादव हो गए, शुभमन गिल हो गए, संजू हो गए, ये लोग बहुत जल्दी आउट हो गए थे पिछले मैच में, जब जिसकी वजह से अक्षर दीपक की बैटिंग आ गई थी तब इन्होंने स्कोर कर दिया था, वरना आप देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। हर्षल पटेल का देख लीजिए, रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक है, पिछले मैच में 2 विकेट भी लेके गए हैं। शिवम मावी को पिछले अपने डेब्यू मैच में 4 विकेटें मिल गई, उसके पहले डोमेस्टिक्स वगैरह में भी ठीक कर रहे थे। इसके अलावा उमरान मलिक पिछले मैच में 2 विकेट लेके गए, इनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। चहल विकेटलेस रहे थे, हालांकि इनका स्टैट बहुत अच्छा है श्रीलंका के सामने चहल का।
इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा में प्लेयर हैं जैसे राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, ऋतुराज गायकवाड़, इनके स्टैट भी देख लीजिए। बाय चांस टीम अगर इनको मौका देती है खेलने का तो स्टैट आपके पास रहेंगे, T20 के सारे स्टैट अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक बार 2 विकेट भी निकाले हैं वॉशिंगटन सुंदर ने इसी वेन्यू पे। ध्यान रखिए कि 2020 में जब खेले थे तब 2 विकेट लेके गए थे इसी वेन्यू पे। अब हम बात करेंगे कुछ प्लेयर्स की इंडियन टीम के जिनका परफॉर्मेंस श्रीलंका के सामने अच्छा या बुरा होता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ईशान किशन ने 4 मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ, 162 रन अभी तक बना चुके हैं और 54 की एवरेज से बैटिंग करते हैं। ये इनका बैटिंग एवरेज है, नॉर्मल एवरेज इनका होगा लगभग 40 के आसपास, बट बैटिंग एवरेज 54 है। बैटिंग एवरेज क्या होता है? प्लेयर ने जितने भी रन्स बनाए हैं डिवाइडेड बाय वो कितने बार आउट हुआ है ना। तो ये 3 बार आउट हुआ है श्रीलंका के सामने, 1 बार नॉट आउट रहा था, तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन इतना ही बैटिंग एवरेज आएगा। नॉर्मल एवरेज में हम क्या करते हैं, रन्स को डिवाइड करते हैं कितने मैच उसने खेले, तो आपको पता चल जाएगा कि यार 40 के आसपास की इसकी एवरेज है। बट बैटिंग एवरेज कितने की है, ये 1 बार आउट होने में कितना टाइम लेता है, यानी इतने रन्स बनाने के बाद ये श्रीलंका के सामने 1 बार आउट होता है, ये बैटिंग एवरेज होता है। सूर्य कुमार यादव 3 मैच में 91 रन्स हैं, बैटिंग एवरेज 30 की बनती है, ठीक है, 3 बार आउट हुआ होगा ये। फिर देखिए हार्दिक पांड्या 8 मैच में 101 रन है, 9 विकेटें भी हुए, तो एक अच्छा ऑप्शन होता है, 1 विकेट पर मैच के आसपास की परफॉर्मेंस और लगभग 12-15 रन हर मैच में। फिर आते हैं गायकवाड़, 2 मैच में 35 रन, हुडा के 3 मैच में 65 रन, ये इनके हेड टू हेड वगैरह हैं जो आपको देखने चाहिए। 32 की एवरेज बनती है हुडा की श्रीलंका के सामने। कुछ और प्लेयर हैं, संजू सैमसन श्रीलंका के सामने 7 मैच खेले, 102 रन है, 14 की ही एवरेज है, अच्छी नहीं है। हर्षल पटेल की 4 मैच में 4 विकेटें हैं, 33 की बॉलिंग एवरेज है, बॉलिंग एवरेज यानी कि इतने रन्स खाने के बाद, अपोजिशन टीम के इतने रन्स खाने के बाद वो 1 विकेट लेता है, तो हर्षल जब 33 रन्स के आसपास खा लेंगे 1 विकेट ले जाएंगे। चहल 11 मैच में 20 विकेटें हैं, 17 की बॉलिंग एवरेज है। उमरान मलिक की 1 मैच ही खेला, 2 विकेटें हैं, 13 की एवरेज है। मावी की 1 मैच में 4 विकेटें हैं, तकरीबन हर 5.5 रन देने के बाद ये श्रीलंका का 1 विकेट ले रहे थे, हर 5.5 रन देने के बाद, बहुत अच्छा स्टैट है मावी का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं श्रीलंकन टीम की। कुशाल मेंडिस ओपन करेंगे पाथुम निशांगा के साथ, निशांगा खेलते अच्छा है इंडिया के सामने, बट पिछले मैच इनका थोड़ा सा खराब रहा था। धनंजय डिसिल्वा, इनसे टीम ने थोड़ी सी बॉलिंग करवाई थी, प्लस बैटिंग भी अच्छी करते हैं। चरित चलांका, भानुका राजपक्षा और दासू शनाका, ये तो हमेशा इंडिया के सामने मोस्ट ऑफ द मैच में अच्छा करते हैं। वनी दोसरंगा 4 ओवर पूरे डालेंगे, प्लस थोड़ी बहुत बॉलिंग करेंगे, सॉरी 4 ओवर पूरे डालेंगे, थोड़ी बहुत बैटिंग बैकअप देंगे। चम्मिका करुणरत्न ने, ये भी आपको बैटिंग बैकअप अच्छा देते हैं, प्लस आप इनसे कम से कम 2-3 ओवर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। महेश तीक्ष्णा, दिलशान मधुशांका और काशुन रजिता, इसमें टीम के लिए डेथ में बॉलिंग जो है वो काशुन रजिता करेंगे, इनके साथ मधुशांका भी कर सकते हैं, तीक्ष्णा, हसरंगा, चम्मिका भी कर सकते हैं, तो कोई भी इनके साथ आ सकता है क्योंकि श्रीलंका का डेथ ओवर फिक्स नहीं होता। हाँ, इतना कह सकते हैं कि काशुन रजिता का ये रिसेंटली जो है आखिरी 3 ओवर में दो जगह यूज करते हैं, 18वां ओवर और 20वां ओवर लगभग काशुन डालेंगे, फर्स्ट बॉलिंग के केस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक एक प्लेयर का स्टैट देखेंगे पिछले मैचेस में क्या हुआ। रिसेंटली कुशाल मेंडिस के ये स्कोर्स हैं T20 में जो इन्होंने लास्ट खेले, और इंडिया के सामने आखिरी 4 मैच में आप देखिए 28, 57, 55, यानी इंडिया को ये अच्छा खेल रहे हैं और आखिरी 4 मैच में 3 बार चले भी हैं। पाथुम निशांका पिछले मैच में फ्लॉप रहे, बट मोस्ट ऑफ द मैच में अच्छा करते हैं ये, और इंडिया के सामने आखिरी 4 मुकाबलों में 2 बार 50 प्लस के स्कोर हैं, हालांकि 2 बार सिंगल डिजिट भी रन्स बनाए हैं, बट कभी कभी अच्छा भी करते हैं। फिर धनंजय डिसिल्वा आते हैं, रिसेंटली बैटिंग स्टेट बहुत अच्छे नहीं है, बट ये कभी कभी बॉलिंग में काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देते हैं, तो आप इस प्लेयर को टीम में शामिल कर सकते हैं। इंडिया के सामने रिकॉर्ड एवरेज है और इस वेन्यू पे 1 बार 57 बनाया हुआ है और 0 विकेट थे, 2020 का जो मुकाबला था उसमें ये चले थे इस वेन्यू पे धनंजय डिसिल्वा। भानुका राजपक्षा रिसेंटली कुछ खास नहीं कर रहे, हेड टू हेड कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे रिकॉर्ड नहीं है। असलंका रिसेंटली फॉर्म एवरेज है, अपोजिशन टीम इंडिया के सामने बहुत खराब खेल रहे हैं पिछले 4 मैचेस से, तो और वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दासून शनका की बात करते हैं, ये देखो रिसेंटली फॉर्म इनका देखोगे तो आखिरी 5-6 मुकाबलों में 2 बार 40 प्लस की स्कोरिंग है, सबसे अच्छा स्टैट होल्ड करता है ये इंडिया के सामने, क्योंकि 45, 33, 74, 47 बहुत कंसिस्टेंसी से इसने रन्स बनाए हैं इंडिया के सामने, तो ये आपके लिए ट्रंप कार्ड पिक हो सकता है, और कभी कभार बॉलिंग भी करता है, बट वही ये 3-4 मैच में 1-2 बार बॉलिंग करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, तो बॉलिंग से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो बोनस होगा जब भी करेंगे, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं ये। इस वेन्यू पे 2 बार मैचेस खेले हैं, एक 2020 वाला और 2016 वाला, दोनों में इन्होंने, मतलब एक में इन्होंने बॉलिंग से परफॉर्मेंस किया है, दूसरे में कुछ बॉलिंग से खास नहीं किया, बैटिंग में दोनों बार फ्लॉप रहे थे इस वेन्यू पे, ठीक है, बट अभी फॉर्म में है। वनी दोसरंगा 4 ओवर पूरे डालेंगे, क्वालिटी स्पिन बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग बैकअप देते हैं। इंडिया के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, बहुत बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि रन्स भी बना रहे हैं, विकेट भी थोड़ा बहुत ले रहे हैं, इस वेन्यू पे भी 1 बार 1 विकेट निकाला है।
फिर आते हैं चमिगा, पिछले मैच में 23 रन बनाए और एक विकेट लिया, तो इनकी यही खासियत है कि बैटिंग बैकअप देते हैं, प्लस दो तीन ओवर बॉलिंग करेंगे तो विकेट ले सकते हैं। इंडिया के सामने रिकॉर्ड ठीक ठाक है, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं तीक्ष्णा मधुशांका और कासुम रजिता, पिछले मैच में रजिता अनफॉर्चुनेटली विकेट लेस गए, जबकि डेथ बॉलिंग भी करी और अभी रिसेंटली अच्छे फॉर्म में भी थे रजिता, तो फर्स्ट बॉलिंग करे तो आप इन पर ट्राई जरूर कीजिएगा, अच्छे बॉलर हैं कासुम रजिता। और लेफ्ट आर्म पेसर में आप मधुशांका के साथ जा सकते हैं। इंडिया के सामने रिकॉर्ड मधुशांका का अच्छा हो गया, पिछले दो मैचेस में 4 विकेट टोटल है इनके पास, और कासुम के पास पिछले 3 मैच में 2 बार विकेट लेस और 1 बार 3 विकेट है इंडिया के सामने। इस वेन्यू पर इन्होंने 3 विकेट पहले निकाले हुए। इसके बाद हम बात करते हैं रीसेंट स्टैट्स की, ठीक है, प्लेयर्स की रीसेंट स्टैट्स क्या है, कौन से वाले एक्स्ट्रा प्लेयर्स ये बेंच में है, यानी कि कभी भी टीम इनको मौका दे सकती है। अभी हमने प्लेइंग 11 देख ली और अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा प्लेयर्स की। सदीरा, नुबान, दुनित, प्रमोद और अश्विन बंदारा, ये कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास, और इनके स्टैट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किसने कैसा पहले खेला हुआ है और क्या स्कोरिंग वगैरह रिसेंटली ये कर रहे हैं। जैसे सवीरा ठीक ठाक फॉर्म में है अभी T20 में, अश्विन बंदारा एक अच्छे फॉर्म में प्लेयर है, तो इन प्लस को आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हैं। दुनित वेलनेज भी रिसेंट टाइम पे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, प्लस बैटिंग बैकअप देते हैं। आगे बढ़ते हैं और श्रीलंका के प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने इंडिया के सामने अच्छा या बुरा खेला है। जैसे मेंडेस ने 4 मैच खेले, 151 रन से 37 की बैटिंग एवरेज होती है इनकी। निशांका की इंडिया के सामने 5 मैच खेले, 129 रन से 25 की बैटिंग एवरेज होती है। डिसिल्वा ने 6 मैच खेले इंडिया के सामने, 154 रन से 38 की बैटिंग एवरेज होती है। राजपक्षा 3 मैच खेले, 44 रन से 22 की बैटिंग एवरेज। असलंका के 6 मैच में 115 है, 23 की बैटिंग एवरेज। यहां पे सबसे अच्छी बैटिंग एवरेज आपको मिलेगी मेंडेस की और डिसिल्वा की, ये दो प्लेयर्स आपके लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इवन निशांका की भी एवरेज ठीक है 5 मैच के हिसाब से 129। फिर हम बात करते हैं शनाका की, ये प्लेयर तो इंडिया को बहुत अच्छा खेलता है, 18 मैच में 351 रन है और 12 बार विकेटें भी ली हुई हैं। पहले बॉलिंग ज्यादा करते थे, आजकल बॉलिंग नहीं कर रहे। 27 की बैटिंग एवरेज, 16 की बॉलिंग एवरेज। हसरंगा देखो ये कप्तानी वाइस कप्तानी का अच्छा ऑप्शन है, 7 मैच में 66 रन भी बनाए हैं, यानी लगभग इसने बनाए हैं 9.5 रन प्रति मैच, ठीक है, एवरेज अगर निकालो, और 11 विकेटें निकाली हुई है इसने, ठीक है, तो 16 की बैटिंग एवरेज है, 16 की बॉलिंग एवरेज लगभग। महेश तीक्ष्णा 2 मैच में 2 विकेटें, मधुशान 2 मैच में 4 विकेटें, कासुम रजिता 3 मैच में 3 विकेटें, तो ये इनके हेड टू हेड्स हैं। अब बात करते हैं कुछ प्लेयर बैटल्स की, जैसे ईशान किशन का प्लेयर बैटल अगर आप देखें, कुमारा, करुणरत्ने और हसरंगा के सामने। इसमें आप देखिए कुमारा एक बार इनकी विकेट ले चुके हैं, एक बार हसरंगा ले चुके हैं, बट कुमारा की इन्होंने पिटाई काफी करी है ईशान किशन ने। अब सूर्य यादव की देखिए, सूर्य कुमार यादव की, करुणरत्ने, हसरंगा और मधुशांका के खिलाफ, जिसमें आप देख सकते हैं करुणरत्ने और हसरंगा ने एक एक बार सूर्य कुमार यादव की विकेट पहले ली हुई है। आगे आप देखिए हार्दिक पंड्या, हार्दिक पंड्या का मैंने लिखा हुआ है, एक बार इनकी विकेट मधुशांका ने ली है, करुणरत्ने और हसरंगा अभी तक विकेट ले नहीं पाए। दीपक हुडा जो पिछले मैच में बहुत शानदार खेले थे, इनका आप देख सकते हैं एक बार हसरंगा ने विकेट निकाला है, एक बार मधुशांका ने भी विकेट निकाला हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, कुशाल मेंडिस आते हैं श्रीलंका के बैटर्स की अगर हम बात करें तो कुशाल मेंडिस बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, इनकी 2 बार विकेट चहल ले चुके हैं, एक बार हर्षल विकेट ले चुके हैं, उमरान ने अभी तक इनकी विकेट ली नहीं है। निशांका की अगर हम बात करें, पिछले मैच में तो फ्लॉप रहे थे, बट इंडिया के सामने 50% मैचेस में अच्छा खेलते हैं। इनका एक बार चहल और एक बार मावी ने विकेट लिया, जिसमें चहल की इन्होंने काफ़ी पिटाई करी निशांका ने। आगे देख लीजिए राजपक्षा, जो इस टीम के फिनिशर माने जाते हैं, बट अभी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, एक बार हर्षल और एक बार चहल की विकेट ले चुके हैं। और बात करते हैं शनाका की, जो इंडिया के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, इनका देख लीजिए एक बार उमरान ने विकेट निकाला, 2 बार चहल ने, और पंड्या अभी तक इनका विकेट ले नहीं पाए, चहल को ये ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं, ये भी चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं टीम की, क्या हमारी टीम बनेगी इस मैच में, तो सबसे पहले अपनी टीम में मैं पिक करूंगा ईशान किशन को, जो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, फॉर्म में भी है। कुशाल मेंडिस मोस्ट ऑफ द मैच में अच्छा करते हैं इंडिया के सामने, तो इनको भी पिक करूंगा, ये विकेट कीपर भी हैं। फिर मैंने दाशुन शनाका को टीम में जगह दी है, शनाका मोस्ट ऑफ द मैच में इंडिया के सामने अच्छा करते हैं, बल्कि ये ऐसे बैटर हैं अगर बैटिंग जल्दी आ गई तो बड़ा स्कोर लगाने की क्षमता भी रखते हैं। हारे हुए मैचेस इन्होंने श्रीलंका को जीता है, खास करके इंडिया के सामने। फिर शुभमन गिल आते हैं, जिनका पहला T20 अच्छा नहीं गया था डेब्यू मैच, बट मुझे लगता है ये वापसी करेंगे, क्योंकि जब ODI में इनका डेब्यू हुआ था तब बहुत अच्छे फॉर्म में थे और इनकी अच्छी शुरुआत हुई थी, तो T20 में शायद थोड़ा सा टाइम ले, पहला मैच खराब गया है, बट मुझे इस मैच में एक्सपेक्टेशन हाई है। और सूर्या भी बहुत अच्छा करते हैं इस फॉर्मेट में, बल्कि नंबर 1 बैटर हैं इस फॉर्मेट के, तो इनको भी मैं टीम में लूंगा। फिर मेरी टीम में हार्दिक है, जो 2-3 ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, कप्तान है मेरे, वाइस कप्तान मेरे वनीतू हसरंगा है, क्योंकि 4 ओवर क्वालिटी स्पिन करेंगे, प्लस बैटिंग बैकअप भी देते हैं। फिर मैंने धनंजय डिसिल्वा को लिया है, 1-2 ओवर टीम इनसे फेंकवा सकती है, जो भी लेफ्ट हैंडर से सामने वाली टीम में, जैसे ईशान किशन के खिलाफ बॉलिंग करा सकती है टीम इनसे, और बैटिंग भी ठीक ही कर लेते हैं। फिर मैंने शिवम मावी, उमरान मलिक और हर्षल पटेल को टीम में शामिल किया है, तो ये मेरी ओवरऑल टीम रहने वाली है इंडिया श्रीलंका वाले मैच में। कप्तानी वाइस कप्तानी के ऑप्शन में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, ये भी
बहुत अच्छे ऑप्शन है, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ईशान किशन आपको विकेट कीपिंग बैकअप भी देंगे और सूर्य कुमार यादव नंबर वन बैटर है, किसी भी दिन बहुत अच्छा खेल सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा सेफ जाना चाहता हूँ, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करें उनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ईशान और सूर्य भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और ऐसे स्टैट्स जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। माय फेवर अपने एप्लीकेशन पे खेलना शुरू करिए, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जहां पे मैं खेलना पसंद करता हूं और आपको टीम भी यहीं की देता हूं, क्योंकि यहां पे क्रेडिट का कोई इशू नहीं होता और एंट्री भी बहुत ज्यादा कम है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, रेफर कोड एफएक्स लगाना है जब भी साइन अप करें ताकि बोनस फ्री एंट्री गिव अवे आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है माय फेवर 11 का, डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, जाके ज्वाइन कीजिए, फाइनल टीम के अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।